नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। जबलपुर में बीते कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव के केस में जमकर इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि जबलपुर जिला प्रशासन ने नगर निगम सीमा में शुक्रवार की शाम से 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार शाम से 58 घंटे के लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने अति आवश्यक वस्तु जैसे कि दूध, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानों को खोले रखने की अनुमति दी है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। जनरल स्टोर, फल सब्जी आदि की दुकान पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही जिनके यहाँ विवाह की तारीख 24 से 25 और 26 को पहले से ही नियत है, उन्हें इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। विवाह में सिर्फ 20 व्यक्ति ही शामिल होंगे। लॉकडाउन में 2 पहिये और 4 पहियों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। जबलपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन में लगाए गए अपने निर्देश को लेकर कहा कि 58 घंटे के लॉकडाउन में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान सिर्फ नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, आपदा प्रबंधन और मीडिया जो कि इमरजेंसी ड्यूटी में रहते हैं, उन्हें ही घरों से बाहर वाहनों में निकलने की अनुमति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। मैनेजमेंट में चर्चा कर और सभी संबंधित लोगों से चर्चा कर यह निर्णय हुआ है कि शनिवार और रविवार को विराम रहेगा और जिसमें अति आवश्यक सेवाएं छोड़ के सभी चीज़ें बंद रहेंगी। तो उसके निर्देश आज जारी कर दिए गए हैं। शुक्रवार की शाम को 7 बजे से, कल शाम को 7 बजे, शुक्रवार की शाम को 7 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक ये विराम रहेगा, जिसमें अति आवश्यक सेवाएं छोड़ के सभी कुछ बंद रहेगा। उसके निर्देश जारी हैं। आप सबसे आग्रह है कि उसका पालन करें, रोको टोको अभियान का पालन करें, कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें और पालन कराएं और लोगों को रोकें टोकें। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।